हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। हम डिस्कस कर रहे थे 12th चैप्टर नेचर ऑफ लाइट यानी प्रकाश की प्रकृति के बारे में, और लास्ट क्लास में हमने व्यतिकरण की गणितीय विश्लेषण के बारे में डिस्कस किया था कि जब दो तरंगें आपस में अध्यारोपित होती हैं तो जो नई रिजल्टेंट तरंग बनती है उसका विस्थापन, उसका आयाम, उसकी तीव्रता और उसका कलाकोण किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। उसी के साथ हमने ये भी देखा था कि जब तरंगें समान कला में अध्यारोपित होती हैं या इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 2π, 4π, 6π इस तरह से होता है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो दोगुना और तीव्रता चार गुनी प्राप्त होती है अगर अध्यारोपित होने वाली तरंगों के आयाम समान होते हैं उस स्थिति में। और सिमिलरली अगर तरंगें विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं या उनके बीच का फेज डिफरेंस पाई, 3π, 5π, 2n+1π हो तो इस स्थिति में जो रिजल्टेंट हमारे पास एम्पलीट्यूड आता है वो जीरो आता है और रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी जीरो आती है अगर अध्यारोपित होने वाली तरंगों के आयाम समान हो। तो जब आयाम डबल प्राप्त होता है और तीव्रता चार गुनी मिलती है तो इसे हमने संपोषी व्यतिकरण कहा था, और जब आयाम जीरो और तीव्रता जीरो मिलती है तो इसे विनाशी व्यतिकरण कहा था। और हमने लास्ट क्लास में ये बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि तीव्रता जीरो होने का मतलब वहाँ अंधेरा दिखाई देगा, मतलब दो प्रकाश की तरंगें अध्यारोपित होगी लेकिन फिर भी उससे अंधेरा उत्पन्न होगा, इसी घटना को हमने व्यतिकरण कहा था। आज के इस सेशन में हम एक एक्स्ट्रा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है। भाई हमने फेज डिफरेंस तो देख लिया, हम पाथ डिफरेंस की भी बात करेंगे और साथ ही हम देखेंगे कि इंटरफेरेंस में एनर्जी कंजर्व रहती है, संरक्षित रहती है, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इंटरफेरेंस के बारे में डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमने बेसिकली गाइस का डिस्कस किया था, पहले मैं थोड़ा ओवरव्यू बता देता हूँ उसके बाद हम मेन टॉपिक पे बात करेंगे। हमने ये डिस्कस किया था कि अगर दो तरंगे हैं हमारे पास और उन दोनों तरंगों में अध्यारोपण होता है, मान लेते हैं हमारे पास पहली जो तरंग है वो ये दे रखी और एक रोटेशन पूरा होने में जितना एंगल बनता है वो 2π के बराबर होता है, तो ये वाला एंगल आ जाएगा पाई, यहाँ जीरो, यह आ जाएगा 3π, यह आ जाएगा 4π, 5π, 6π, सो क्लियर। इसके इधर भी अगर हम एंगल बना दे तो ये आ जाएगा पाई, 2π, 3π, 4π, 5π, सो ठीक है। अब देखिए अगर हमने ये कहा था कि तरंगें समान कला में अध्यारोपित हो या इनके बीच का जो कला कोण है, इनका कालांतर है वो 2π, 4π, 6π होना चाहिए। समान कला से मेरा मतलब है कि पहली तरंग अगर यहाँ से स्टार्ट हो रही है दूसरी तरंग भी यहीं से स्टार्ट हो, तो यहाँ से दूसरी तरंग स्टार्ट हो जाए इस प्रकार से, तो हम क्या देखते हैं कि दोनों समान कला में हैं तो परिणामी जो तरंग हमें प्राप्त होती है उस परिणामी तरंग का आयाम बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है, इस प्रकार से परिणामी तरंग का आयाम ज़्यादा प्राप्त होता है और इसे हमने संपोषी व्यतिकरण कहा था, क्लियर। या फिर हम क्या देखें तरंग 2π कोण आगे से या 2π कोण पीछे से स्टार्ट हो, 4π कोण आगे से या 4π कोण पीछे से स्टार्ट हो, जैसे 2π पीछे से स्टार्ट हो रही है तब भी यहाँ आके ये इसके समान कला में आ जाएगी, 4π पीछे से स्टार्ट होती है तब भी ये यहाँ आके इसके समान कला में आ जाएगी, इस प्रकार अध्यारोपित ये समान कला में ही होगी और जिससे संपोषी व्यतिकरण होगा, परिणामी तीव्रता और आयाम ज़्यादा प्राप्त होंगे, क्लियर। यानी हमने देखा था कि संपोषी व्यतिकरण की कंडीशन में, संपोषी व्यतिकरण की कंडीशन में जो कलाकोण आता था मेरे पास, कालांतर आता था, वो आता था या तो जीरो या फिर 2π या फिर 4π या फिर 6π सो ऑन 2n π आता था, क्लियर। या फिर हम क्या देखते हैं गाइस, या फिर ये देखें कि पहली तरंग अगर मान लेते यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो हम एक चीज़ यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे फेज डिफरेंस के बारे में। तरंग को एक रोटेशन पूरा देने में जितनी दूरी तय करती है उसे हम तरंग दैर्ध्य से व्यक्त करते हैं, लैम्डा से व्यक्त करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो तरंग है ये पहली वाली तरंग से लैम्डा पीछे या लैम्डा दूरी पीछे से स्टार्ट हो रही है, इसने लैम्डा दूरी ऑलरेडी ट्रैवल कर लिया, उस लैम्डा दूरी के बाद दूसरी तरंग स्टार्ट हो रही है, मगर इन दोनों के बीच की जो पाथ डिफरेंस है, जो पथांतर है, वो लैम्डा के है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये देखते हैं कि पहली तरंग और दूसरी तरंग के बीच में कितना पथांतर है, लैम्डा का पथांतर है। अगर मान लेते हैं कि ये तरंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो इस स्थिति में यहाँ से यहाँ तक और मेरे पास कितनी दूरी ट्रैवल कर लेगी, यहाँ से यहाँ तक मेरे पास ये वापस लैम्डा दूरी ट्रैवल कर लेगी, तो लैम्डा और लैम्डा कितना हो जाएगा, 2λ, मतलब दोनों तरंग के बीच में पहली तरंग स्टार्ट हो रही है उसने जब 2λ दूरी ट्रैवल करी और यहाँ पहुँची तब दूसरी तरंग स्टार्ट हो रही है,
मतलब इन दोनों के बीच का जो पथ होगा अंतर है, पथांतर है, वो 2 लैम्डा आ जाएगा। क्लियर। तो हम यहाँ से क्या देखते हैं, अगर दोनों समान जगह से स्टार्ट हो रही है, मतलब दोनों के बीच का जो पथांतर है वो 0 है क्योंकि दोनों ने समान दूरी ट्रैवल करी। तो अगर मैं पथांतर की बात करूँ तो पथांतर को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। पथांतर का मान कितना होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, लैम्डा होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, 2 लैम्डा होना चाहिए, यानी 3 लैम्डा। इस तरह हम देखें तो एन लैम्डा होना चाहिए। कितना होना चाहिए, एन लैम्डा। यानी कि अगर संपोषी व्यतिकरण होना है तो कालांतर का मान तो इनमें से कुछ होगा और पथांतर का मान इनमें से कुछ होगा। कालांतर तो 2n पाई होना चाहिए और पथांतर n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। यहाँ से अगर मैं रिलेशन की बात करूँ तो रिलेशन क्या निकल के आ जाएगा, जो पथांतर है वो बराबर आता है लैम्डा अपॉन 2π इंटू कालांतर के बराबर आता है। पथांतर बराबर होता है लैम्डा इंटू 2π, लैम्डा अपॉन 2π इंटू कालांतर। ठीक है, जैसे मेरे को पथांतर निकलना है संपोषी व्यतिकरण के लिए, तो यह आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2π, और संपोषी व्यतिकरण में पथांतर कितना होता है, पथांतर होता है 2n पाई, तो यह आ जाएगा 2n पाई। 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा और इस पथांतर का मान कितना आ जाएगा, n लैम्डा के बराबर आ जाएगा। आया मेरे पास? ठीक है, तो ये पथांतर और कालांतर में रिलेशन है गाइस। ये किसमें रिलेशन है, ये पथांतर और कालांतर में संबंध है। पथांतर और कालांतर में हम इस तरह से संबंध फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मैंने किसकी बात कर ली, ये संपोषी व्यतिकरण की बात करी। इसी तरह विनाशी व्यतिकरण के बारे में डिस्कस करते हैं। इसको रफ कर देते हैं, चलिए इस पूरे को रफ कर देते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास केवल एक ही तरंग दे रखी है जो यहां से स्टार्ट हो रही है इस प्रकार से, ये तरंग है। और दूसरी तरंग विनाशी व्यतिकरण की जब अपन बात करते हैं तो हमारे पास दूसरी तरंग या तो इससे विपरीत कला में अध्यारोपित होनी चाहिए, या फिर हमें पता है कि इनके बीच का जो कालांतर है वो होना चाहिए पाई, 3π, 5π, सो ऑन 2n+1π के बराबर होना चाहिए। जो पथांतर है कालांतर वो इनमें से कुछ होना चाहिए। अब विपरीत कला या पाई का क्या मतलब है कि पहली तरंग अगर 0 से स्टार्ट हो रही है, दूसरी तरंग भी 0 से ही स्टार्ट हो, विपरीत कला का मतलब, लेकिन उल्टी दिशा में स्टार्ट हो। किस तरह से, मान लेते हैं कि ये इस तरह से इसकी उल्टी दिशा में स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, दोनों तरंगें विपरीत कला में अध्यारोपित होगी तो जो परिणामी तरंग बनेगी उसका आयाम कम प्राप्त होगा। ये परिणामी तरंग बनेगी और इसका आयाम हमें कम प्राप्त होगा, पहले को ज्यादा प्राप्त होता। इस प्रकार के व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। या फिर इनके बीच का जो पथांतर है कालांतर है वो पाई होना चाहिए, 3π 5π। यानी कि तरंग या तो पाई आगे से या पाई पीछे से स्टार्ट हो, 3π पीछे से या 3π आगे से स्टार्ट हो। मान लेते हैं कि जो दूसरी तरंग है वो पाई पीछे से स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी। देखिए यहाँ से स्टार्ट होगी तो यहाँ आते आते वापस इसकी विपरीत कला में आ जाएगी। अगर 5π से स्टार्ट होगी 3π से, तब मान लेते यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट होगी तब भी ये तरंग यहाँ आके इसकी विपरीत कला में ही आएगी, और 5π से स्टार्ट होगी तब भी ये आके यहाँ पे इसकी विपरीत कला में ही स्टार्ट होगी। क्लियर। तो इसके लिए भी अपन पथांतर निकालेंगे। तो पथांतर कितना आता है, विपरीत कला या विनाशी के लिए पथांतर ये मेरे पास आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2π, और इसमें कालांतर कितना होता है, 2n+1π, तो ये आ जाएगा 2n+1 × π। यहाँ से पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसल, क्या आ जाएगा मेरे पास, 2n+1, 2n+1 क्या बचेगा, लैम्डा अपॉन 2। ये इसके बीच का पथांतर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पथांतर। यानी कि n की वैल्यू अगर 0 हो तो ये क्या आ जाएगा, 0 × 2 = 0, लैम्डा बाई 2। n की वैल्यू 1 हो तो आ जाएगा 3λ/2, 5λ/2। मतलब इनके बीच का जो पथांतर है वो होना चाहिए या तो λ/2 या 3λ/2 या 5λ/2। इस तरह 2n+1λ/2 होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, देखिए आराम से, जब ये तरंग मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, दूसरी तरंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो इसने कितनी एक्स्ट्रा दूरी ट्रैवल करी है, केवल आधी तरंग कितनी दूरी ट्रैवल करती है, λ/2 डिस्टेंस ट्रैवल करती है। λ/2 डिस्टेंस इसने जब ट्रैवल करी तो ये यहाँ आके इसकी विपरीत कला में आ जाएगी और विनाशी व्यतिकरण करेगी, मतलब ये पथांतर λ/2 होगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, 3π से स्टार्ट हो रही है, तो इसने कुल कितनी दूरी ट्रैवल करी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक तरंग के बराबर कितनी दूरी होती है, एक तरंग कितनी दूरी ट्रैवल करती है,
यहाँ से लेके यहाँ तक लैम्डा दूरी, और ये लैम्डा बाई टू टोटल कितनी दूरी आ जाएगी, 3 लैम्डा बाई 2। तो वापस पथांतर जब ये होगा तो यहाँ के इसकी विपरीत कला में आ जाएगी और ये सेम क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा। तो इस प्रकार हमने दो कंडीशन यहाँ पे डिस्कस करी, दो कंडीशन कौन कौन सी, दोनों के लिए लिख लेता हूँ, फिर हम उसको आगे और डिस्कस करेंगे। हम कालांतर की जगह पथांतर पर ज़्यादा जोर देंगे, इसलिए मैंने ये बात करी। संपोषी के केस में हमने क्या डिस्कस किया, संपोषी व्यतिकरण के केस में कालांतर का मान तो होना चाहिए 0, 2π, 4π, 2nπ के बराबर, और पथांतर का मान होना चाहिए 0λ, 2λ, 4λ, 3λ, so on, n λ के बराबर होना चाहिए, यानी कि पथांतर लैम्डा का पूर्ण गुणज होना चाहिए। विनाशी के केस में हमने क्या देखा कि कालांतर का मान तो होना चाहिए पाई, 3π, 5π, so on, 2n+1π के बराबर, या पथांतर का मान होना चाहिए λ/2, 3λ/2, so on, 2n+1λ/2 के बराबर। तो ये संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए कालांतर और पथांतर के मान, कालांतर और पथांतर के मान है संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए। क्लियर? तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इंटरफेरेंस। हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इंटरफेरेंस, यानी कि व्यतिकरण में ऊर्जा संरक्षण। देखिए गाइस, हमने क्या पढ़ा कि जो रिजल्टेंट हमारे पास इंटेंसिटी आती है, जब दो तरंगे अध्यारोपित होती हैं तो अध्यारोपण से जो परिणामी तरंग की तीव्रता प्राप्त होती है वो आती है I1 + I2 + 2 + 2 I1 I2 cos φ। ये मेरे पास परिणामी तरंग की तीव्रता प्राप्त होती है, ठीक है। अब मैक्सिमम कितनी तीव्रता प्राप्त हो सकती है, मैक्सिमम हमारे पास जितनी आई थी, मैक्सिमम कितनी आई थी, जब फाई का मान मेरे पास संपोषी व्यतिकरण के लिए फाई का मान या तो 2π, 4π इस तरह से होगा, तो मैक्सिमम कितनी आती थी, मैक्सिमम आती थी I1 + I2 + 2 √I1 I2, और जिसको हमने क्या लिखा था, जिसको हमने लिखा था √I1 + √I2 का होल स्क्वायर, ये मैक्सिमम आई थी। और मिनिमम तीव्रता कितनी आती थी, मिनिमम तीव्रता में माइनस हो जाती थी I1 + I2 − 2√I1 I2, और इसको हमने लिखा था √I1 − √I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम तीव्रता जो है उसमें होता क्या है, 2√I1 I2 और 2√I1 I2, यहाँ पे तो ये प्लस होता है, यहाँ पे ये क्या होता है, माइनस होता है। मतलब अधिकतम तीव्रता में तो तीव्रता जो है I1 और I2 से कितनी ज़्यादा होती है, I1 I2 से 2√I1 I2 ज़्यादा होती है, और मिनिमम तीव्रता में ये 2√I1 I2 कम होती है। तो हम इसका अगर एवरेज निकालेंगे, एवरेज इंटेंसिटी हमारे पास कितनी आती है, एवरेज इंटेंसिटी निकालेंगे, एवरेज कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम तीव्रता और प्लस मिनिमम तीव्रता अपॉन 2 करके, तो एवरेज हमारे पास जो इंटेंसिटी निकल के आती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी है, वो आ जाएगी I1 + I2 + 2√I1 I2, और प्लस मिनिमम तीव्रता ये है I1 + I2 − 2√I1 I2, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2। ये प्लस है माइनस कैंसिल, I1 + I1 2I1 आ जाएगा 2I1, और I2 + I2 2I2, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2, दोनों में 2 कॉमन लेके काट दिया तो आ जाएगा I1 + I2। मतलब हमारे पास एवरेज इंटेंसिटी जो आती है वो दोनों इंटेंसिटीयों के योग के बराबर आती है। अध्यारोपण में जब दो तरंगें अध्यारोपित होती हैं तो उस अध्यारोपण से जो तरंग प्राप्त होती है उसकी जो एवरेज इंटेंसिटी आती है उसकी औसत तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग के बराबर आती है। और इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे एनर्जी का लॉस नहीं होता है, बल्कि एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, एनर्जी का पुनर्वितरण हो जाता है,
और उस पुनर्वितरण को ही हम एनर्जी का कंजर्वेशन यानी ऊर्जा का संरक्षण कहते हैं। ऊर्जा हमेशा अधिकतम तीव्रता से निम्नतम तीव्रता के बीच वितरित हो जाती है, क्योंकि एवरेज इंटेंसिटी का मान जो है हमारे पास औसत तीव्रता, दोनों तीव्रताओं के योग के बराबर आती है। तो अगर दोनों तीव्रताओं के योग के बराबर आती है मतलब ऊर्जा केवल रीडिस्ट्रीब्यूट होती है, पुनर्वितरित होती है, ऊर्जा की यहाँ पे हानि नहीं होती, ऊर्जा संरक्षित रहती है। हम ये देखते हैं कि एनर्जी जो हमारे पास तीव्रता है वो तीव्रता कालांतर के साथ किस प्रकार से चेंज होती है, तो उसके लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं। इस ग्राफ किस तरह से वो देखते हैं। चलिए हमने ये देखा कि तीव्रता आई बराबर होती है I1 I2 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi। हम यहाँ पे ये मान लेते हैं इफ I1 और I2 बराबर है, दोनों प्रकाश तरंगों की जो तीव्रता है वो समान है और वो किसके बराबर है I0 के बराबर। इन दैट केस I बराबर क्या आ जाएगा, I1 की जगह भी I0, I2 की जगह भी I0 प्लस 2 अंडर रूट I0 और I0 अंडर रूट I0 इंटू I0 और cos phi। आ जाएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट प्लस आई नॉट आ जाएगा टू आई नॉट प्लस टू अंडर रूट आई नॉट का स्क्वायर आ जाएगा और इनटू कॉस फाइव, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा टू आई नॉट प्लस टू स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आई नॉट कॉस फाइव। क्लियर, दोनों में टू आई नॉट कॉमन है तो यहाँ से टू आई नॉट मैंने ले लिया कॉमन, यहाँ बचेगा वन प्लस कॉस फाइव। क्लियर, हाँ देखिए cos phi का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, यहाँ जब 2 थीटा होता है तो यहाँ थीटा आता है, तो अगर यहाँ पे केवल थीटा होगा तो यहाँ पे अगर केवल क्या होगा थीटा, तो यहाँ इसका आधा मतलब थीटा बाई 2 होगा। यहाँ पे अगर मैं थीटा की जगह phi कर दूँ तो यहाँ पर भी थीटा की जगह कितना आएगा phi। क्लियर, यानी कि यहाँ से मैं cos स्क्वायर phi cos phi की वैल्यू अगर निकालो तो कितनी आएगी, cos phi की जगह हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर phi by 2 minus 1, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, मेरे पास क्या आ जाएगा I is equals to 2 I not 1 plus cos phi की जगह ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर phi by 2 minus 1, minus 1 से plus 1 cancel, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ जाएगा, यह आएगा 4 I not cos स्क्वायर phi बाई टू, यानी कि इंटेंसिटी अगर दो तरंगों की इंटेंसिटी समान हो तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी की इक्वेशन होगी आई बराबर फोर आई नॉट कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू। संपोषी व्यतिकरण के केस में, संपोषी व्यतिकरण के केस में हमारे पास कालांतर का जो मान आता है फाइव वो क्या आता है, या तो जीरो या टू पाई या फोर पाई ये आता है, और इसकी वैल्यू जब अपन रखेंगे तो कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू का यहाँ पे जो मान आएगा वो वन आएगा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू का मान वन आएगा तो आई बराबर कितने आ जाएगी, देन आई बराबर आ जाएगी फोर आई नॉट, यानी जब भी कालांतर का मान हमारे पास क्या होगा जीरो टू पाई फोर पाई सिक्स पाई इस तरह से होगा तो तीव्रता हमें मैक्सिमम मिलेगी चार गुनी, जो हम इससे पहले वाले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। और जब अपन विनाशी व्यतिकरण की बात करते हैं, विनाशी व्यतिकरण की बात करें, विनाशी व्यतिकरण जहाँ पे कालांतर का मान क्या होता है, या तो पाई होता है या थ्री पाई होता है या फाइव पाई होता है या सेवन पाई होता है इस तरह से होता है, तो उस स्थिति में कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू का मान जो है वो जीरो आएगा। ठीक, तो इसका मतलब जीरो आएगा, जीरो को किसी से भी गुणा करो जीरो आएगा, तो तीव्रता मेरे पास कितनी आ जाएगी जीरो आ जाएगी। क्लियर है, तो हम क्या देखते हैं कि संपोषी व्यतिकरण में तो तीव्रता चार गुनी प्राप्त होती और विनाशी व्यतिकरण में तीव्रता जीरो प्राप्त होती, मतलब अंधेरा प्राप्त होगा। तो जब एंगल ये होंगे, कालांतर का मान ये होगा, तब आप जो हमारे पास तीव्रता आएगी वो ज़्यादा आएगी चार गुणी, और जब कालांतर का मान ये होगा तो हमारे पास तीव्रता जीरो आएगी। तो इसके बीच में अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करेगा इस, तो ग्राफ किस तरह से बनेगा वो भी अपन देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर अपन ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसका ग्राफ बना देते हैं, इसको रफ कर देते पूरे को।
ये तो हम बना लेते हैं यहाँ पे इसकी तीव्रता इंटेंसिटी, और मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी आ सकती है 4I0। ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी हो सकती है 4I0 के बराबर। मिनिमम कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है। ठीक है, अब ये बना देते हैं हम फेज डिफरेंस फाई इधर भी और फेज डिफरेंस फाई इधर भी बना देते हैं। एंगल अपने हिसाब से ले लेते हैं, से 0 से ये पाई, फिर 2π, फिर 3π, 4π, 5π एंड 6π। इसी तरह यहाँ पे ले लेते हैं पाई, 2π, 3π, 4π, 5π। ठीक है, अब देखिए जब हमारे पास फाई का मान 2π, 4π, 6π होगा तो तीव्रता हमारे पास अधिकतम आएगी 4I0 के बराबर, संपुष्टि व्यतिकरण अभी पर। और जब हमारे पास फाई का मान पाई, 3π, 5π होगी तो विनाशी व्यतिकरण होगा, तीव्रता कितनी आ जाएगी? 0 है। ठीक है, तो पॉइंट किस तरह से हमें मिलेगी? देखिए जब 0 है तो मेरे पास तीव्रता अधिकतम आएगी, पहला पॉइंट। जब कालांतर पाई है तो मेरे पास तीव्रता 0 आएगी, मतलब ये पाई पे कालांतर तीव्रता 0, ये अधिकतम तीव्रता की मैं लाइन बना देता हूँ। ठीक है, ये अधिकतम तीव्रता की ये वाली लाइन है, तो जब आपस कालांतर 2π है तो अधिकतम तीव्रता आएगी 4I0, 2π पे अधिकतम तीव्रता आएगी 4I0, ये वाला पॉइंट आएगा। 3π होगी तो वापस तीव्रता कितनी? 0, ये वाला पॉइंट आएगा। 4π पे वापस तीव्रता क्या मिलेगी? अधिकतम, ये वाला पॉइंट आएगा। 5π पे तीव्रता कितनी? 0, ये वाला पॉइंट आएगा। इसी तरह से इस वाले मैटर में बात करें तो सेम आएगा, पाई पे वापस 0, जब कालांतर 2π है तो अधिकतम, 3π पे 0, 4π पे वापस कितना? अधिकतम, और 5π पे कितना? 0। ये कुछ पॉइंट आएंगे, इन पॉइंट को हम मिला देते हैं, तो मिलाने पर क्या मिलेगा? ये इस तरह से मिला देते हैं हम इसको, ठीक है, तो ये आएगा ऊर्जा वितरण का ग्राफ या इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की अपन बात करते हैं कि कालांतर के साथ जो हमारे पास तीव्रता चेंज होगी वो किस तरह से होगी। और मिड में अगर हम ग्राफ बनाएं तो मिड वाला हमेशा औसत को रिप्रेजेंट करता है, और हमने औसत देखा था, औसत कितना आया था? अधिकतम जो हमने देखा था, मैक्सिमम इंटेंसिटी आती थी, वो आती थी I1 √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, और मिनिमम तीव्रता मेरे पास कितनी आती थी? मिनिमम आती थी √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, और जो एवरेज मेरे पास आई थी वो आई थी I1 प्लस I2 के बराबर। तो इस प्रकार ये ग्राफ बेसिकली क्या शो करता है, जब कालांतर का मान 0 होगा तो तीव्रता ज़्यादा होगी, मतलब संपोषी व्यतिकरण होगा, जब कालांतर का मान पाई, 3π, 5π होगी तो तीव्रता 0 आएगी, मतलब विनाशी व्यतिकरण, जब कालांतर का मान 2π, 4π, 6π होगा तो तीव्रता अधिकतम प्राप्त होगी, मतलब संपुष्टि व्यतिकरण। और मिड वाला जो लाइन है वो इसके एवरेज इंटेंसिटी को शो करता है, जो दोनों इंटेंसिटीज के सम के बराबर आएगा। तो इस पूरे सेशन में हमने बेसिकली इसके मैथमेटिकल एनालिसिस के बारे में ही डिस्कस किया कि किस प्रकार से संपुष्टि व्यतिकरण होता है, किस प्रकार से विनाशी व्यतिकरण होता है, उसके साथ ही कालांतर और पथांतर में भी संबंध देखा। अगर इसी ग्राफ में हम फेज डिफरेंस की जगह पाथ डिफरेंस भी लिखना चाहें तो पाई पे ये आ जाएगा λ/2, यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3λ/2, यहाँ पर 2λ, यहाँ पर 5λ/2, ये मेरे पास क्या आएगा? ये मेरे पास इनके पथांतर आएंगे। ठीक है, तो हम ये भी देखते हैं कि जब पथांतर λ/2, 3λ/2, 5λ/2 है तो इंटेंसिटी 0 है, मतलब विनाशी व्यतिकरण हो रहा है, और जब पथांतर लैम्डा 2λ, 3λ है तो इस स्थिति में संपुष्टि व्यतिकरण होगा और तीव्रता ज्यादा प्राप्त होती है। इससे अगले वाले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।